तो हेलो एवरीवन, आज की ये जो वीडियो है इसके अंदर अपन बात करेंगे कि अपने ये जो स्कल बोन जो है इनमें कौन कौन से फोरामेन होते हैं और उनसे कौन कौन से स्ट्रक्चर अपने पास करते हैं, और इन सब को अपन ऑलरेडी अपने नॉर्मल्स की वीडियो में अच्छे से डिटेल में कवर कर चुके हैं। बट मैं सारे फोरामेन को एक बार और आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं अपने ऑप्टिक फोरामेन से। तो अपने स्कल बोन के जस्ट फ्रंट में अपना प्रेजेंट होता है बोनी ऑर्बिट, और इस बोनी ऑर्बिट में आपको यहाँ पे ये एक फोरामेन दिखाई दे रहा होगा। तो इसी फोरामेन को अपन बोलते हैं ऑप्टिक फोरामेन, और जैसा आपको इसके नाम से समझ में आ गया होगा कि इस ऑप्टिक फोरामेन से अपनी ऑप्टिक नर्व, ऑप्थेल्मिक आर्टरी, और ऑप्थेल्मिक आर्टरी के, मान लो ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी है तो उसके पूरे सराउंड में यहाँ पे एक सिंपथेटिक प्लेक्सिस होता है। तो टोटल अपनी तीन चीज जो है अपनी ये ऑप्टिक फोरामेन से पास करती हैं। फिर ये जो ऑप्टिक फोरामेन जो है उसके जस्ट साइड में आपको यहाँ पे एक और यहाँ पे फिशर दिखाई दे रहा होगा, उसे अपन बोलते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। तो ये जो पूरा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है ना, एक्चुअली में इसके तीन पार्ट होते हैं, आपको यहाँ पे साइड में पिक के थ्रू भी दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जो है, अगर आप यहाँ पे देखो ये थोड़ा यूं एल शेप का है, अगर साइड में आप पिक देख पा रहे हो तो वो कुछ आपका अपना इस तरीके से एल शेप का होता है, ये आप देख पा रहे हो। तो ये अपना कुछ ऐसा फोरामेन है, और उसके बीच में अपना प्रेजेंट होता है टेंडनस रिंग। तो आपको पता है यहाँ पे बोनी ऑर्बिट में अपनी प्रेजेंट होती है आई, और इस आई पे जो है अपनी कुछ मसल अटैच होती हैं, उसे अपन बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स। तो आप बस अभी ये याद कर लो कि सारी मसल जो है एक टेंडनस रिंग पे इनका इंसर्शन होता है इन सारी मसल्स का। तो ये जो टेंडनस रिंग होती है ना, वो इसी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के जस्ट फ्रंट में कुछ प्रेजेंट होती है। तो उसी टेंडनस रिंग के कारण इस सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को अपन तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक रिंग वाला पार्ट, फिर एक रिंग के ऊपर अबव और रिंग के नीचे बिलो। तो इस रिंग वाले पार्ट में अपना टोटल प्रेजेंट होता है सुपीरियर और इन्फीरियर डिवीजन ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व, नेजो लेक्राइमन नर्व, एब्ड्यूसेंट नर्व, और सिंपथेटिक रूट ऑफ सिलेरिक गैंग्लियन। फिर अपन बात करें इस टेंडनस रिंग के ऊपर क्या प्रेजेंट है, आपको साइड में पिक में भी दिखाई दे रहा होगा कि इसके ऊपर तरफ अपना यहाँ पर प्रेजेंट होता है ट्रोक्लियर नर्व, डेंटल नर्व, लैक्रिमल नर्व और लैक्रिमल आर्टरी, देन सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, और अपनी रिकरेंट मैनेजर ब्रांच ऑफ लैक्रिमल आर्टरी, और रिंग के नीचे अपना प्रेजेंट होता है इन्फीरियर ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक वेन। देन फिर अपन कुछ और इंपॉर्टेंट फोरामेन्स देखते हैं। तो यहाँ पे अपना फिर है फोरामेन ओवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट फोरामेन जो है अपना स्कल बोन में वो यही है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो ये जो है आप जानते हो इसे अपन बोलते हैं मिडल करेनियल फोसा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताऊं, स्कल बोन के इंटीरियर में टोटल अपने प्रेजेंट होते हैं तीन फोसा, इंटीरियर में इंटीरियर करेनियल फोसा, पोस्टीरियर में पोस्टीरियर करेनियल फोसा, और बीच में अपना होता है मिडल करेनियल फोसा। तो यहाँ पे आपको एक ओवल शेप का फोरामेन दिखाई दे रहा होगा, तो इसी फोरामेन को अपन बोलते हैं फोरामेन ओवल। और यहाँ पर टोटल अपने तीन चीज प्रेजेंट होती है, एक मैंडिबुलर नर्व, एक्सेसरी मिडल मैनेजर आर्टरी, लेसर पेट्रोजन लव और इमेजिनरी वेन्स। ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको याद करने पड़ेंगे, और उसको याद करने के लिए आप जिंगल बना लो, मेल एम से अपना हो जाएगा मैंडिबुलर नर्व, ए से एक्सेसरी मिडल मैनेजर आर्टरी, एल से लेसर पेट्रोजन लव, और ई से अपना इमेजिनरी वेन। फिर जस्ट अपने इस फोरामेन ओवल के जस्ट ऊपर अपना ये प्रेजेंट है, ऐसे अपन बोलते हैं फोरामेन रोटेंडम, और यहाँ से दो चीज पास करती हैं, एक मैक्सिलरी नर्व और इमेजिनरी वेन्स। फिर इस फोरामेन के जो फोरामेन ओवल है ना, उसी के जस्ट यू नो लाइन से तीनों मेन फोरामेन होते हैं, ओवल के ऊपर हो गया रोटेंडम, और उसके नीचे अपना हो गया स्पाइनोसम। फिर अपने फोरामेन स्पाइनोसम में अपना प्रेजेंट होती है मिडल मेनिंजियल आर्टरी। फिर इन तीनों फोरामेन के जस्ट साइड में ये आपको एक और फोरामेन दिखाई दे रहा होगा, उसको अपन बोलते हैं फोरामेन लेसरम, और लेसायरम के अंदर अपना प्रेजेंट होता है इमेजिनरी वेन्स, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, मेनिंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल
आर्टरी। देन फिर अपन हटाते हैं पेज, फिर अपन यहाँ पे देखते हैं इंटरनल ऑडिटरी मियाटस को। तो मैं आपको बताऊँ, ये पोस्टीरियर करैनियल फोसा में, ये साइड में आपको एक फोरामेन दिखाई दे रहा है, इस फोरामेन को अपन बोलते हैं इंटरनल ऑडिटरी मियाटस। और इस इंटरनल ऑडिटरी मियाटस में अपना पास करती हैं फेशियल नर्व, वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व, नर्वस इंटरमीडियस और इंटरनल ऑडिटरी वेसल्स। देन इसके ही जस्ट नीचे ये जो आपको फोरामेन दिख रहा है ना, उसको अपन बोलते हैं जुगलार फोरामेन। तो ये जो जुगलार फोरामेन जो है, उसके एक्चुअली में अपने होते हैं तीन पार्ट। इसके इंटीरियर पार्ट में अपना प्रेजेंट होता है इंफीरियर पेट्रोजल साइनस, आपको साइड में पिक में भी दिख पा रहा होगा। देन इसके मिडल वाले पार्ट में अपने प्रेजेंट होती है तीन करैनियल नर्व, 9th, 10th और 11th करैनियल नर्व। और इसके अपने पोस्टीरियर वाले पार्ट में अपना प्रेजेंट होता है एक साइनस, उसे अपन बोलते हैं सिग्मोइड साइनस। फिर यहाँ पे अपना एक है हाइपोग्लॉसल कैनाल, तो मैं आपको दिखाऊँ हाइपोग्लॉसल कैनाल। तो ये जो बड़ा सा फोरामेन मैग्नम है ना, उसी के जस्ट साइड में ये जो कैनाल दिख रही है ना आपको, मैं थोड़ा और ऊपर लाता हूँ आपको, ये देखिए हाइपो फोरामेन मैग्नम के जस्ट साइड में इस कैनाल को अपन बोलते हैं हाइपोग्लॉसल कैनाल। और हाइपोग्लॉसल कैनाल से अपना क्या पास करता है, यहाँ पे अपना पास करता है हाइपोग्लॉसल नर्व और मेनिंजल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। फिर यहाँ पे अपन बात करेंगे पोस्टेरियर कॉन्डाइलर कैनाल को, तो ये आपको ना यहाँ से नहीं दिख पाएगा आसानी से, मैं अगर आपको पीछे से दिखाऊँ तो ये जो अपने दोनों कॉन्डाइल हैं उसके जस्ट पीछे की तरफ यहाँ पे एक कैनाल है, उसे अपन बोलते हैं पोस्टेरियर कॉन्डाइलर कैनाल। और यहाँ से अपना इमेजिनरी वेंस और मेनिंजल ब्रांच ऑफ ऑक्सीपिटल आर्टरी जो है पास करती हैं। फिर अपन यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोरामेन जो कि अपना है फोरामेन मैग्नम, इसको अगर अपन डिटेल में देखें तो टोटल होता क्या है, ये जो फोरामेन मैग्नम है ना, ये अपना दो कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। मैं आपको बताऊँ क्या होता है, यहाँ पे एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है इस तरीके से, तो उस लिगामेंट के कारण यहाँ पे दो कंपार्टमेंट बन जाते हैं, इंटीरियर में इंटीरियर कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर में अपना पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तो इसके इंटीरियर कंपार्टमेंट में अपने दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेन है, एक एपिकल लिगामेंट ऑफ डेंस और अपर बैंड ऑफ क्रूसीफॉर्म लिगामेंट ऑफ एटलस। फिर अपन इसके पोस्टीरियर वाले पार्ट की बात करें तो इसके पोस्टीरियर पार्ट में अपना होता है रेडुला, जो कि आगे जाके अपना स्पाइनल कॉर्ड बनता है। देन टू पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, टू वर्टिब्रल आर्टरी, स्पाइनल रूट ऑफ टू एक्सेसरी नर्व, सिंपैथेटिक प्लेक्सस और अपनी कम्युनिकेटिंग वेंस बिटवीन इंटरनल वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस और बेसिलर वीनस प्लेक्सस। तो ये पूरा मैंने आपको पोस्टीरियर करैनियल फोसा के बारे में डिटेल में बता दिया, सो ये अच्छे तरीके से आपसे कंटेन याद कर लेना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फोरामेन मैग्नम ही इससे आपको वाइवा में पूछेंगे। और ये पूरे चार्ट आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।